हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ तुम सभी लोग अच्छे होगे और आज हम लोग खेलेंगे फार क्राई। तो यार, अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैं और मेरे ट्राइब के लोग एक जर्नी पे होते हैं और हमारा डेस्टिनेशन होता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट। पर बीच में आ जाता है एक सेबर टूथ टाइगर और वो मेरे सारे ट्राइब के लोगों को मार देता है, पर एस्केप कर पाता हूँ सिर्फ मैं। और उसके बाद आगे चल के मैं मिलता हूँ सायला से और सायला मुझे लेके आती है लैंड ऑफ फॉरेस्ट। और लैंड ऑफ फॉरेस्ट आने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं हमारे बाकी के बचे हुए वेंजर्स ब्रदर से मिलने, ताकि हम उन्हें यहाँ पे ले आए और उसके बाद यहाँ पे हम लोग साथ में रह सके और सेफ रहे। पहले तो मैं स्टेल कलेक्ट कर लेता हूँ। यार, ये अटैक किसने किया मुझ पे? मुझे आगे भागकर देखना होगा कौन है ये। यार, यहाँ पे तो बैचर ही भाई, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर मैंने इसे जल्दी नहीं मारा ना तो ये मुझे मार देगा। चलो बो से मारता हूँ इसे, बो से काम नहीं होने वाला भाई, स्पेयर निकालना पड़ेगा मुझे। चलो पहले मारता हूँ मैं इसे और आगे बढ़ते हैं फिर। भाई साहब, मरते मरते बचाऊँ मैं भी, हेल्थ के नाम पे बस एक बार रह गई थी। सबसे पहले तो मैं खुद को हील कर लेता हूँ, उसके बाद अपन निकलेंगे आगे की जर्नी की तरफ। और गाइस, अगर तुम लोगों ने इस चैनल पर और भी वीडियोज नहीं देखी तो प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियोज। चलो बैजर खत्म, मार दिया है मैंने उसे, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। यार, इस रास्ते से जाऊँ मैं या फिर उस गुफा वाले रास्ते से जाऊँ? उस गुफा वाले रास्ते से ही जाना ठीक होगा। और यार, अगर तुम लोगों ने ये गेम नहीं खेली है ना तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें ये गेम जरूर खेलनी चाहिए। इसके ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, देख सकते हो यहाँ पे एक एक चीज़ की डिटेल बहुत अच्छे से दी हुई है इस गेम में। अब कौन है पीछे? अभी अभी तो मारा था मैंने उस बैजर को। यार, ये जंगली सुअर लग चुका है मेरे पीछे, बट दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैंने स्पेयर चलाना सीख लिया है और मैं ट्राई करूंगा कि इस बार मेरी हेल्थ भी लॉस नहीं और मैं इसे आराम से मार दूँ। यार, ये मरा तो नहीं लेकिन ये भाग गया। चलो अच्छी बात है, मैं भी आगे निकलता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे पीछे? कहीं वो जंगली सुअर वापस तो नहीं आ रहा है? मुझे एक बार जाकर देखना होगा, कहीं उसने आगे चल के छुप कर अटैक कर दिया मुझ पे तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक बार देख लेता हूँ वहां पर जाके। एक सेकंड, यहाँ पे वो जंगली सुअर तो नहीं बट उसकी बॉडी पड़ी है। भाई, लगता है मुझ पर अटैक ही करने आ रहा था, बट इसका ब्लड लॉस इतना हुआ कि ये सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अब मैं अपनी जर्नी को वापस कंटिन्यू करता हूँ और मुझे रास्ते में जितनी भी हार्डवुड मिलेगी मैं उन्हें कलेक्ट करता जाऊँगा, क्योंकि हार्डवुड से बनते हैं एरो एंड स्पेयर। वो और ये वो दो चीज़ें हैं जो आगे की मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि यार हमारा नेक्स्ट मिशन ये है कि मुझे अपने वेंजर्स ब्रदर्स को एक सेफ लोकेशन तक पहुँचाना है। ये रहे वो वेंजर्स वॉर जिनसे मुझे बचाना है अपने ट्राइब को। एक गया, दूसरा गया। भाई, दो तो मारे जा चुके हैं, क्या क्लीन हो गया क्या पूरा एरिया? ऊपर तो कोई नहीं है, अब नीचे जाके एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ यार, नीचे से आ रहे हैं, तीन तीन लोग आ रहे हैं। ये पहला गया, इस डायरेक्ट हेडशॉट पड़ी है इसे तो स्पेयर से। दूसरा भी गया, स्पेयर टूट गई मेरी। वाह भाई, भाई ये काफ़ी तगड़ा बंदा है भाई, इसके हाथ में क्लब है। तीन हिट में गया ये। तो यार, स्पेयर से तो बहुत खेल लिया मैंने, अब मैं खेलूंगा थोड़ा क्लब के साथ। क्लब के साथ देखता हूँ इन लोगों कैसी पड़ती है। आगे जाता हूँ, फिलहाल तो ये एरिया सेफ है। तो चलो यार, आगे बढ़ते हैं अपने ट्राइब को लेके। सारी बॉडी पड़ी है इन लोगों की, मैं पहले ये फ्लावर निकाल लेता हूँ। यहाँ तक तो सब, यहाँ तक तो अभी तक तो कोई नहीं दिखा है। भाई सामने से आ रहे हैं वो लोग, वो रहे भाई, दो तो नदी के उस पार है और भाई यहाँ पे देखो चार चार, और मैंने अपने ही बंदे को मार दिया गलती से, सॉरी भाई। ये गया भाई, क्लब से क्या खतरनाक डैमेज हो रहा है भाई, डायरेक्ट इसके हेड पे जो लग रहा है ना, खतरनाक। ये गया भाई, ये रहा, ये आर्चर्स को मारना पड़ेगा मुझे जल्दी से। अब भाई नदी के उस पार है तो चलो यार, इन लोगों को जाके ही खत्म करता हूँ मैं। आ जा, गया। तो भाई हम सब ने मिल गया तो मार दिया है यहाँ पे, तो अब ये एरिया लगभग साफ हो ही चुका है। किसी की आवाज़ आ रही है मुझे तो अभी भी, नहीं 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 ख़त्म हो चुका है भाई, ये एरिया क्लियर हो चुका है। तो चलो यार, फिर से आगे जाता हूँ मैं इन लोगों को लेकर और मैं वापस अपनी स्पेयर निकाल लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, शॉर्ट रेंज में ये जो स्पेयर है ना बहुत अच्छे से काम करती है, बट वो जो क्लब है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। बट स्पेयर अगर तुम्हारे पास, तुम्हें एक फ़ायदा है कि तुम एनिमी से दूर भी रह सकते हो और आराम से किल हो जाएगी। तो यार शायद मैं पहुंच ही गया हूँ। हाँ यार, तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे इन लोग के लोकेशन। अब फाइनली मैंने इन्हें इनके लोकेशन पे पहुंचा दिया और अभी अभी एक नई लोकेशन डिस्कवर किया है मैंने, जिसका नाम है फॉरगेटन ग्लेड। और यार सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट मैं पहले अपना नेक्स्ट लोकेशन मार्क कर लेता हूँ मैप पे, जहाँ मुझे जाना है।
तो यार अभी अभी मेरी बात हुई इनसे और इनमें से कुछ लोग रेडी है मेरे साथ विलेज आने को और कुछ लोग यही रुक कर मेक श्योर करेंगे कि वापस वो दाम वॉरियर्स इस एरिया को कैप्चर ना कर ले। और यार अभी मैं इन सबसे बात ही कर रहा था कि अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली, इन लोग ने बताया कि क्योंकि आपने हमारे जो ट्राइब है उन्हें सेफली यहाँ पे लाया है तो आप एक काम करो, एक सिंबल प्लेस कर दो यहाँ पे ताकि लोगों को पता लगे कि ये एरिया वेंजर्स के अंदर आता है। यार अब ये ईगल्स क्यों शोर मचा रहे हैं, पहले बैजर आया फिर जंगली शुगर फिर उदाम वॉरियर्स, यार इस गेम के सारे क्रीचर्स मेरे ही पीछे हैं क्या? यार मैं अपनी बो निकाल लेता हूँ इसमें से, देखता हूँ मैं एक को मार दूंगा यहाँ पे, शायद कोशिश करूंगा मैं मारने की। तो यार इसने तो मुझ पे ही अटैक कर दिया था अभी अभी, खैर कोई नहीं मैं बच गया हूँ। वैसे ये लोग इन ईगल्स को संभाल लेंगे, मैं अपनी आगे की झंडी की तरफ निकलता हूँ। यार ये सही हुआ, कुछ वेंजर्स और ऐड हो गए हैं विलेज में, कहाँ पहले सिर्फ मैं और सायला थे और अब तीन और वेंजर्स। और यार ऐसे ही होती है किसी भी विलेज को बसाने की शुरुआत, और इस इंटायर जर्नी मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी वेंजर्स मुझे मिले मैं उनकी हेल्प करूँ और उसके बाद मैं उन्हें बोलूँ विलेज ज्वाइन करने को। क्योंकि यार अगर एक बार विलेज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है फिर हम लोग डायरेक्ट फाइट ले पाएंगे उदाम से, और जो मेरा मिशन है लैंड ऑफ ऑरस को वापस लेने का वो भी पूरा हो जाएगा। एक सेकेंड, वहाँ देखो वहाँ पे तीन उद्दाम वॉरियर जा रहे हैं, तो यार इनका शिकार करते हैं। चलो पहले मैं मारूँ किसे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? एक काम करता हूँ आगे वाले को मारता हूँ, नहीं लेकिन पीछे वाले को फिर पता लग जाएगा। अबे भाई ये तीसरा क्या ही निकला है एकदम साइड से और इसने मुझे देखा भी नहीं, पहले इसी को मारता हूँ, ये गया। अब दूसरा, ये गया। भाई तीसरा ना देख ले, सबसे पहले उसे भी निपटाना पड़ेगा। भाई बोझ से तो नहीं स्पेयर चलानी पड़ेगी उस पर, नहीं तो देख लेगा मुझे। भाई फाइनली डन, तीनों को मार दिया है शायद मैंने, हाँ तीनों लोग गए। यार अगर मैं इन तीनों को टाइम पे नहीं मारता ना तो ये लोग अपने अपने जितने भी ट्राइब्स हैं ना उन्हें बुला लेते हैं और फिर हो जाता बहुत बड़ा पंगा और शायद मैं मारा जाता। वैसे भी एक हेल्थ बार तो कम ही है, तो यार अच्छा है कि मैंने तीनों को साइलेंटली मार दिया है और अब मैं जाऊँगा आगे अपने लोकेशन पे। तो यार जैसा कि तुम लोगों ने देखा ये जो वेंजा ट्राइब की लेडी थी ये बता रही थी कि जो भी ये लोग हंट करते हैं उस मीट को ढो लाते हैं, इन पे अटैक करते हैं और लेके चले जाते हैं, और इनके ब्रदर्स को भी मतलब इनके जो और भी मेंबर्स थे ट्राइब के उनको भी इन ढोल ने मारा है मिलके। तो यार ये तो बोल रही है मुझे अटैक करने को, पर मैं अभी ढोल के पीछे नहीं जाऊंगा, मुझे जाना है अपने लोकेशन की तरफ और मुझे मिलना है तेंसे से। यार चलो मैं तुम्हें तेंसे के बारे में पहले कुछ बताया था, तेंसे एक ऐसा बंदा है जो कि वेंजा ट्राइब में एज अ प्रीस्ट है। अब एज अ प्रीस्ट मतलब वो स्पिरिट्स की पूजा करता है, जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स है वेंजा ट्राइब की उनकी वो पूजा करता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी से मिलने और जाकर देखता हूँ, मैं लगभग उसके लोकेशन में पहुँच ही गया हूँ, शायद यहीं कहीं नीचे है वो पहाड़ के, मैं यहाँ ऊपर खड़ा हूँ। मैं क्या सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से गिरता हूँ तो मेरी सारी की सारी लाइफ खत्म हो जाएगी और गेम वापस ओवर हो जाएगा, और अगर मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा जो कि बहुत लंबा है तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो यार दोनों मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया हूँ दोनों में, मैं जब मारूँ या नहीं मारूँ। एक काम करता हूँ मैं जब मार ही देता हूँ, होगा गेम ओवर। यार बच गया मैं भाई, पता नहीं कैसे बट बच गया हूँ मैं। यार यहाँ से बहुत आराम से उतरना होगा मुझे, काफ़ी आराम से, और यहाँ पे शायद कोई मुझे देख रहा है। यार ये उदाम वॉरियर है और इन्होंने मुझे देख लिया, अब मुझे इनसे फाइट लेनी ही पड़ेगी। और भाई मैं जल्दी से जाता हूँ इन्हें मारता हूँ इससे पहले कि ये लोग मुझे मारते। एक स्पेयर चला दिया इन्होंने, क्लब से तो कुछ नहीं होने वाला, स्पेयर ही निकालना पड़ेगा तब ताकि मैं तीनों को मार पाऊँ। खत्म, नहीं भाई एक बार में इसने मेरी आधी हेल्थ खत्म कर दी है, एक इन लोगों के एक स्पेयर ने मेरी आधी हेल्थ खत्म कर दी है। बेस हो गया, बच गया मैं, खत्म। तो यहाँ मैंने सारे के सारे उद्दाम वॉरियर्स को मार दिया है और अब मैं जाऊँगा तेंसे के केव के पास। वैसे मुझे एक यहाँ पे एक चीज़ मिली है, ये शायद एक कह सकते हो कि स्पिरिचुअल चीज़ है, ये किसी का हैंड है, किसी का हैंड का मार्क है ये, जो कि मुझे मिल गया है। इसका नाम है दायशा हैंड और ये मुझे मिशन के बीच में ऐसे कलेक्ट करना है ताकि इससे थोड़ी अचीवमेंट वगैरह बढ़े। तो यार चलो इसे ले ही लेते हैं और अब मैं आगे जाता हूँ तेंसे के केव के पास में आई गया। और वैसे ये लोग आए क्यों थे यहाँ पे, शायद ये लोग तेंसे को मारने आए थे, पर यार कोई नहीं, मैंने उन तीनों को मार दिया है। अब मैं आगे जाता हूँ तेंसे से मिलने, उसकी गुफा के अंदर तो पहुँच चुका हूँ और यार देख सकते हो बहुत लंबी गुफा है भाई इसकी, कहाँ रहता है ये बंदा। मैं इग्नाइट कर लेता हूँ पहले क्लब को ताकि कुछ रोशनी हो जाए यहाँ पे। आगे जा तो कहाँ है तेंसे, भाई वो रहा तेंसे, दिख रहा होगा तुम्हें
वो सामने डांस कर रहा है पता नहीं क्यों। यार ये कहाँ ही आ गया हूँ मैं, मतलब ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि मैं एक स्पिरिट वर्ल्ड में भी एंटर करूँगा इस गेम में, और काफ़ी अच्छी लिख रही है मुझे ये स्पिरिट वर्ल्ड। खैर मैं आगे बढ़ के देखता हूँ और क्या क्या सीन है यहाँ पे। भाई काफ़ी अच्छे से डिटेल किया गया है एक एक जानवर के स्पिरिट को, तुम देख सकते हो सारे एनिमल के स्पिरिट काफ़ी अच्छे से डिटेल है। और मुझे तो फिलहाल एक सामने एक आउल दिख रहा है, मुझे लग रहा है यही मेरा कंपेनियन होगा आगे चल के इस गेम में। तो यार चलो मैं इसे टेम करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये मुझसे टेम हो पाता है कि नहीं, और अगर ये टेम हो गया ना तो मैं बीस्ट मास्टर बन जाऊँगा, मतलब ये मेरा कंपेनियन होगा, उसके बाद मुझे हेल्प करेगा बहुत सारी फाइटिंग में। यार ये टेम तो नहीं हुआ मुझसे, बट मैं पता नहीं कैसे मैं इस वाटरफॉल के साथ गिर रहा हूँ, और भाई उड़ रहा हूँ मैं अब तो लिटरली। ओ भाई साहब खतरनाक है। तो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने गाइड को, जो कि वही प्यारा साउल जिसे मैंने टेम तो करने की कोशिश करी थी बट वो हो नहीं पाया था, लेकिन ये अभी मुझे कहीं तो लेकर जा रहा है, देखता हूँ ये मुझे कहाँ लेकर जाता है। बट इस गेम में मुझे एक बात अच्छी लगी कि इस गेम में आप दूसरे वर्ल्ड में एंटर तो करते हो बट आप उसमें थोड़ी देर घूम भी रहे हो, जो कि काफ़ी इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाती है। बट कुछ गेम में ऐसा होता है कि आप थोड़ी देर के लिए जाओगे और फिर आप वापस बैक टू द गेम, जो कि इस गेम में नहीं है और वो काफ़ी अच्छा है। तो यार अचानक स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करने के साथ ही मैं अपने पैरों पे था, उसके बाद मैं हवा में उड़ा और अब मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी जा रही है मेरी जर्नी फिलहाल स्पिरिट वर्ल्ड की। तो बट मैं तुम्हें बात बता दूँ जो मेरी तेंसई के साथ हुई थी। तो देखो पहले तो तेंसई और मेरा इंट्रो हुआ, उसके बाद तेंसई ने बताया कि वो किसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को बुला रहा था जो कि किसी एनिमल की थी, बट मैं यहाँ आ गया तो उसने कहा कि तुम ही हो बीस्ट मास्टर, और अगर तुमने किसी कंपेनियन को टेम कर लिया तो उसके बाद तुम बीस्ट मास्टर बन जाओगे, जिसके लिए उसने मुझे एक काइंड ऑफ फ्लूइड पिलाया जिसके अंदर ब्लड वगैरह था, उसके बाद मैं इस स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर हो गया। तो यार एक बात अच्छी हुई है कि मैं तेंसई को मना चुका हूँ अपनी विलेज ज्वाइन करने के लिए और वो मेरे विलेज को ज्वाइन कर रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात हुई है अभी तक। तो यार आखिर का टाइम आ गया है कि चलने के बाद, हवा में उड़ने के बाद और अंडर वाटर स्विमिंग करने के बाद मैं इस पानी से निकलूं, और मैं इस पानी से निकल के सबसे पहले तो मैं जाता हूं अपने गाइड को फॉलो करता हूं कि वो कहां जाकर रुकेगा। भाई अब तो रुक जा, खैर वो रुक तो नहीं रहा है, वो मुझे और आगे जा रहा है। बट यार तुम लोग एक बार इस व्यू को देखो भाई, नाइट में क्या अच्छी व्यू आ रही है, सारी की सारी स्पिरिट्स ग्लो कर रही हैं और वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। खैर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, देखता हूँ यार कहाँ ही जाकर रुकेगा। भाई एक जगह रुक जाता कि मैं तुझे टेम कर पाऊँ, एक बार तो कोशिश की थी मैंने बट वो यार हो नहीं पाया था, बट मैं इस बार इसे टेम करके ही रहूँगा। यार अब मैं आराम से बिल्कुल शांत होकर जाऊँगा इस आउल के पास, क्योंकि अगर मैंने ज़रा सी भी जल्दबाजी दिखाई ना तो ये आउल यहाँ से उड़ जाएगा, और भाई काफ़ी लंबी जर्नी तय की अभी अभी मैंने इसको दोबारा पकड़ने के लिए। तो इसे जाऊँगा मैं आराम से टेम करूँगा, और फाइनली ये बैठ भी गया है तो आओ इसे टेम करता हूँ मैं। यार एक और कोशिश नाकाम रही, यार मैं इसे टेम करने ही वाला था, ये दूसरी कोशिश थी बट यार फिर से नहीं हो पाया, और अब मुझे वापस से इसके साथ उड़ के जाना होगा और इसे फॉलो करना होगा, पता नहीं ये मुझे लेकर कहाँ जाना चाहता है। दो बार कोशिश कर चुका हूँ, दोनों बार नहीं हो पाया ये टेम। खैर अब मुझे इन घाटियों के बीच में से जाना होगा, भाई काफ़ी इधर उधर होना पड़ रहा है मुझे, भाई ये काफ़ी मतलब समझ रहे हो तुम, बहुत पतली सी जगह है उड़ने के लिए। आज तक तो वैसे उड़ा नहीं हो पाया बट फिर भी
भाई अब अचानक वाटरफॉल से गिर गया हूँ मैं, और भाई यहाँ पे मौसम कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है मुझे तो भाई। कितनी ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, कहाँ लेकर कहाँ जाना चाहता है भाई कैंपेनियन ही है ना ये भाई। मुझे लग रहा है मुझे लेकर जाके मार डालेगा ये, मुझे लग रहा है भाई। उसने कुछ गलत तो नहीं पिला दिया मुझे ट्रेन से ना? नहीं मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ। आगे बवंडर दिख रही है यार मुझे भाई, आउल सीधा बवंडर में जा रहा है। ओ भाई साहब खतरनाक तूफान भाई, क्या जिंद भाई, क्या बचूंगा कि नहीं बचूंगा मैं यहाँ से? आगे गेम ओवर हो जाएगी क्या यहाँ पे? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? यार अचानक उजाला छा चुका है मेरे आंखों को फिर, और भाई मैं वापस आ गया हूँ इस आउल के पास। भाई फिर से उड़ गया, कहाँ भाई कब मानेगा तू? खैर आगे बढ़ता हूँ मैं इसके पास, देखता हूँ ये वापस कहीं बैठे तो मैं एक और बार कोशिश करूंगा इसे टेम करने की, बट इसे टेम तो करके ही रहूंगा गाइस आज मैं। ठीक है आगे जा रहा हूँ भाई, ये फाइनली बैठ चुका है, और आओ वैसे अभी लास्ट टाइम कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा मैं इसे टेम करने की, देखता हूँ हो पाता है कि नहीं है मुझसे। भाई लग रहा है हो चुका है ये टेम, बस ये मेरे हाथों पे आकर एक बार बैठ जाए। भाई क्या चला गया क्या यार? अच्छा ये बेसिकली एक साई ने इसे बुलाने का, मुझे एक सीटी बजानी है जिसके बाद ये मेरे हाथों पे आके बैठेगा, और भाई अब ये होगा मेरे लिए पूरे आसमान से ये सब मेरे दुश्मनों पर नजर रखेगा। भाई काफ़ी सही चीज़ है ये, और मैंने कंप्लीट कर लिया है विजन ऑफ बीस्ट। तो यार अब मेरे पास विजन ऑफ बीस्ट आ गई, और अब तो दाम वॉरियर्स ने इस लिया कि खैर नहीं। तो यार मैं तेंसे के केव से बस निकलने ही वाला हूँ, बाहर निकल के सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैं अपने आउल को टेस्ट कर सकूँ क्या वो मेरी बैटलफील्ड में हेल्प करता है या फिर नहीं। तो यार टाइम है अभी अपने आउल को बुलाने का, चलो मैं उसे एक बार कॉल कर लेता हूँ। भाई ये तो आ गया, ये कमाल की बात है यार। तो अब अपने पास आउल का कंट्रोल है जिससे हम एनिमीज के टेरिटरी में जाके उन्हें मार्क कर सकते हैं, बट यार ये आउल मुझसे ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये आउल मुझसे ज्यादा दूर जाता है तो फिर ये वापस मेरे ही पास आ जाएगा। तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन एनिमीज है हमारे टेरिटरी में। तो यार मैंने मार्क कर दिया, मुझे यहाँ पे कुछ दाम वॉरियर्स दिखे जिनका मैं करूंगा अभी हंट। तो यार सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ ताकि ये लोग मुझे डायरेक्ट यहाँ से एरो चलाते हुए ना देख ले। तो यार अब मैंने अपनी बो निकाल ली, और मैं रुक जाओ मारता हूँ इन्हें सबसे पहले। तो यार इनको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, पर इन लोग की ध्यान मेरी तरफ आ चुकी है, और भाई इन लोग ने अब देख ही लिया है मुझे। तो ये लोग आ रहे हैं तो जल्दी से मुझे फाइट करना पड़ेगा इन लोगों के साथ, और अभी काफ़ी मज़ा आने वाला। तो वन डाउन, दूसरे को मार रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ, स्पेयर से मारता हूँ मैं इसे एक बार। आ जाओ भाई, ये दूसरा भी गया। तीसरे को किससे मारूं? मैं बो से मारता हूँ, पहले तो मैं एरो लोड कर लेता हूँ। भाई एरो लोड हो चुकी है मेरी, इस पर निशान लगाता हूँ। भाई ये हेडशॉट पड़ी है इसे सीधे, और ये ख़त्म। भाई सारे के सारे उद्दाम वॉरियर्स को शायद मैंने मार दिया है, और अब मैं यहाँ से आराम से निकलता हूँ, देख लेता हूँ एक बार कोई है तो नहीं। नहीं मुझे नहीं लगता कोई होगा वहाँ पे। तो यार हम लोग अभी आगे आ चुके हैं, उद्दाम वॉरियर्स को मार दिया मैंने, तेंसई को राज़ी कर लिया मैंने अपने विलेज में आने को, और वो मेरे विलेज का हिस्सा है। तो यार पॉपुलेशन कुछ तो बढ़ी है, कहाँ पहले सर मैं और सारे, और यहाँ पे उद्दाम वॉरियर्स वेंचा को लेके जा रहे हैं, पहले मैं इससे बचाता हूँ। ख़त्म, दूसरा भी गया, सारे मारे गए क्या? नहीं नहीं भाई यहाँ से कुछ ज़्यादा ही लोग आ चुके हैं। ओ भाई साहब मैं हील कर लेता हूँ सबसे पहले, तो मिस हो गया। ख़त्म भाई, दूसरे बार भी गया ये। आ जा भाई, ये इसे जा रहा था मारने। ओ यार मुझे जल्दी करना पड़ेगा, कहीं इसमें से कोई उसे ना मार दे, मुझे उसे सेफ करना, मुझे उसे सेफ रखना है किसी भी हालत में। भाई हेल्थ काफ़ी कम है मेरी, अब किसी और ने मारने की कोशिश की ना तो मैं तो ऐसे ही मार जाऊँगा। भाई बोर्ड भाई क्लब टूट गई है मेरी, और देख रहे हो कितनी कम हेल्थ है मेरी। भाई अगर एक हिट और मैं साफ गया यहाँ से, गेम ओवर हो जाएगी, बट मैं बच गया हूँ। सबसे पहले तो मैं हील कर लेता हूँ, कोई है क्या आसपास? नहीं नहीं कोई नहीं। अब भाई इस बंदे को मैं एकदम आराम से छुड़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई मुझे लग रहा है किसी ने देखा है अभी जस्ट मुझे। नहीं नहीं किसी ने देखा है, कोई है क्या? भाई एक बंदा है, देख लेता हूँ मैं कौन है, हार्डवुड लेता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि यार एरो इतनी बनाते बनाते। अच्छा तो ये उद्दाम वॉरियर नहीं है, ये उद्दाम विलेज का कोई बंदा है जो कि उन लोग की हेल्प करने आया था। तो यार सबसे पहले तो मैं इसे भी मारता हूँ, मारूँ या छोड़ दूँ?
भाई अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये जाके सबको बता ही देगा अपने विलेज में कि ऐसा ऐसा हुआ, और फिर वो लोग मुझ पे अटैक कर देंगे। और अगर मुझ पे अटैक करते हो ठीक है, मेरे विलेज पे अटैक कर देंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो यार उसे तो मार दिया है मैंने, मारना पड़ा भी क्योंकि उद्दाम को अगर वो जाके बता देता तो फिर मेरी विलेज पे अटैक हो जाती है, और अभी हम लोग काफ़ी कम लोग हैं तो अभी उद्दाम वॉरियर से तो फाइट हो नहीं पाएगी। तो तुम्हें वो लेडी याद होगी जो मिली थी मुझे तेंसई से मिलने से पहले, पर मैंने उस टाइम उसकी हेल्प नहीं करी थी, बट मैं अब उसकी हेल्प करूंगा क्योंकि यार उस टाइम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मिशन करना था, तेंसई को अपने विलेज में शामिल करना था, इसलिए मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया था। बट अब मैं जाऊंगा उन सारे डोल्स को मारूंगा जिस डोल्स के कारण उस ट्राइब का पूरा हंट चला जाता है, एंड उस ट्राइब के बंदों पे इस ढोल ने अटैक भी किया है जैसा कि उस लेडी ने बताया। तो अब मैं एक एक करके इन सारे के सारे डोल्स को मारूंगा और इस एरिया को सिक्योर करूंगा। फाइनली सारे के सारे ढोल्स मारे जा चुके हैं और अब मैं इसकी स्किन उतारूंगा एज अ प्रूफ, ताकि मैं आगे चल के उस लेडी को बता सकूं कि हाँ मैंने सारे के सारे ढोल्स मार दिए, कोई भी बचा नहीं है उसके अंदर से, और अब तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम लोग आराम से हंट कर सकते हो और कोई अब तुम लोग पे अटैक भी नहीं करेगा। तो यार मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से, यहाँ का तो काम पूरा हो गया, अब मैं निकलता हूँ अपने विलेज की तरफ जहाँ मुझे जाना है। यार लगभग मेरे सारे के सारे मिशन कंप्लीट ही हो चुके हैं और अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं हार्डवुड उठाता हूँ ताकि मैं आगे और एरो बना सकूँ। एक मिनट, यहाँ पर भाई तीन उद्दाम वॉरियर आ रहे हैं, एक एक करके मुझे इन तीनों को मारना पड़ेगा, अगर इसमें से कोई बच गया ना तो ये सारे अपने ट्राइब को बता देंगे। तो यार मुझे लगता है इन्होंने अपने ट्राइब को बता ही दिया है अभी तक में, क्योंकि एक तो ऊपर खड़ा है और भाई पीछे से भी मुझे लग रहा है कि और भी उद्दाम वॉरियर्स आ रहे हैं। पहले मैं इसे क्लब से मारता हूँ और ख़त्म करता हूँ। भाई ये तो गया जो ऊपर है, मैं इसे एक बार देख लेता हूँ। भाई ये तो एरो चला रहा है और भाई अभी हेल्थ है मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अभी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आराम से लड़ लेंगे। भाई हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, बस एक बार बची और ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर एट लास्ट गया ये, भाई हील कर लेता हूँ सबसे पहले तो मैं, नहीं तो ये ऊपर वाला जो बंदा है मुझे मार देगा। भाई थोड़ा कवर लेना पड़ेगा मुझे। खैर अब मैं इसे जाके डायरेक्ट हिट करूँगा, एक दो ख़त्म। भाई दो हीट पे गया है बंदा। सबसे पहले तो मैं खुद को हील करूँगा, भाई ये हेल्थ मेरी बार बार बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। ठीक है यार, तो मैं सबसे पहले इसके कुछ सामान ले लेता हूँ ताकि आगे चल के आगे की जर्नी में मुझे विलेज जाने तक कुछ काम आए, जिसमें से मैं पानी वगैरह ये सब ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास वैसे भी ख़त्म हो चुकी है इतना लंबा ट्रैवल किया मैंने। और यार रात हो गई है तो सबसे पहले मैं अपने क्लब को इग्नाइट करके यहाँ पे रोशनी थोड़ी कर लेता हूँ क्योंकि भेड़ियों का भी खतरा। भाई और भी उद्दाम वॉरियर्स, भाई कितने बड़े पड़े हैं यहाँ पे उद्दाम वॉरियर्स। खैर मैं सबसे पहले तो इसको निपटाता हूँ। भाई दो हिट तीन हिट में गया ये बंदा। भाई देख रहे हो कितनी कम हेल्थ है। भाई बस मरने ही वालों में लगता है, अब मैं गया नहीं। भाई बच गया, भाई
आखिरी पॉइंट पे बचा हूँ मैं, बस गेम ओवर होने ही वाली होती है और भाई मैं बच जाता हूँ, क्या बोलूँ मैं। तो ठीक है यार, सबसे पहले तो मैं हील करूँगा अपने आप को, स्टाइल पे करेक्ट कर लिया मैंने, और अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है, अभी अभी उद्दाम वॉरियर से फाइट करने में इतना हील करना पड़ा और अब मेरे पास ज़्यादा हीलिंग है भी नहीं, तो अभी अगर भेड़ियों ने अटैक कर दिया ना तो काफ़ी मुसीबत हो जाएगी, तो मुझे अब आराम से आगे बढ़ना होगा। मैं क्लब इग्नाइट तो कर सकता हूँ बट मेरे पास ज़्यादा बचे नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं कर ही लेता हूँ आगे। भाई यहाँ पे मुझे कुछ खून के धब्बे दिखे हैं, एक सेकंड, कोई नया मिशन है यहाँ पे। तो भाई मुझे यहाँ पे अपना पहला बीस्ट मिलेगा टीम करने को, मतलब मेरे साथ वो आउल तो होगा ही ऐसे कंपेनियन, बट मेरे साथ एक बीस्ट भी आएगा जो कि टाइगर, लायन, वुल्फ, बहुत तरह के बीस्ट हैं, वो सारे अवेलेबल होंगे, जिसमें से मैं पहला बीस्ट होगा ये मेरा। तो मैं सबसे पहले अपने आउल को बुला लेता हूँ और देखता हूँ वो बीस्ट अभी है कहाँ जिसको मैं टेम करूँगा। तो यार आउल के कंट्रोल्स आ चुके हैं मेरे पास, इधर किधर कि भाई यहाँ आगे साइन दिख रही है मुझे, चलो यार वहाँ जाके देखता हूँ मैं कहाँ है वो पहला बीस्ट मेरा जिससे मुझे टेम करना। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फर्स्ट बीस्ट के लिए, मजाक नहीं। तो भाई ये पहला बीस्ट तो मिल नहीं मिला मुझे, बट यहाँ पे उद्दाम वॉरियर्स मिल, तो भाई यहाँ पे चार पांच शायद यहाँ वॉरियर्स हैं जो कि बैठे हुए हैं, और भाई सबसे पहले तो मुझे इसे मारना पड़ेगा। भाई आओ सच में बहुत काम का, ये सबको लोकेट कर दिया है इसने, और अब मैं जाके चुपके से उन लोग को मारूंगा ताकि वो लोग अपने ऑल ट्राइब को नहीं बुला ले, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लड़ चुका हूँ आज की बैटल। और भाई अब मुझे सबको साइलेंट किल करना पड़ेगा, आराम से मारेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो देखो वहाँ मस्त वो लोग कैंप फायर लगा के बैठे हैं और लोग अचानक जाएंगे बोलेंगे सरप्राइज मदरफकर। तो भाई फूल उठा लिया मैंने, भाई ये वो रेड लीफ बहुत काम का है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि वो किस काम में आता है। खैर सबसे पहले तो वेपन्स है मेरे पास, एरोज भी बना लिए मैंने, स्पेयर भी और क्लब भी है, एक स्पेयर भी बना ही लूँ क्या, बना लेता हूँ मैं, क्लब भी है, चलो बहुत अच्छे। अब मुझे जाना है और आराम से उन्हें मारना है। ये क्या कर रहा है भाई, पहला गया हेडशॉट डायरेक्ट, भाई दूसरे को खबर भी नहीं है, भाई वो देख रहा है इधर उधर, भाई उसे दिख गया हूँ मैं, भाई खत्म, डायरेक्ट चेस्ट पर लगी है इसके और ये मारा जा चुका है। तीसरा भाग रही कुछ में क्या, नहीं भाई इसे इतनी दूर से हेडशॉट पड़ी है, भाई खतरनाक, मजा आ गया भाई। इसकी और भी कुछ सामान ले लेता हूँ मैं, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो लूटना पड़ेगा ना, क्योंकि इन लोगों के पास वैसे ही बहुत कुछ होता है, क्योंकि वेंजर्स अभी उतने नहीं और ये लोग पूरी की पूरी एरिया में फैले हुए, तो ये लोग रिसोर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, इसलिए इन्हें गैदर करना बहुत अच्छा है। तो यार यहाँ पे ये लोग कैंप फायर लगा के बैठे थे, देख सकते हो ठीक ठाक, मतलब यहाँ पे इन लोग अपना पूरा इंतज़ाम कर रखा था, बट मैं आया सबको मार दिया। और अब सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने फर्स्ट बीस्ट के पास, जो कि यार यहीं कहीं होना चाहिए, और मुझे इसके और मुझे ये खून के ट्रेसेस फॉलो करने हैं, उसके बाद जाना है उस बीस्ट के पास। भाई उस बीस्ट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे ये उद्दाम वॉरियर्स थे, वो लोग उस बीस्ट का हंट करने आए थे, और भाई वो रहा वो बीस्ट, नहीं वो नहीं था भाई, वो कोई और था, मुझे देखो मेरा पहला बीस्ट है। अच्छा तो मैं अपने पहले बीस्ट के काफ़ी करीब पहुंच गया हूं भाई, मुझे उसे कुछ देना पड़ेगा सबसे पहले तो, ताकि फेच करने के लिए, ताकि वो आराम से खाए और मैं उसे जाके टेम कर लूँ। तो भाई वो आराम से खा रहा है उस चीज़ को, आराम से मैं उसे टेम करूँगा, कहीं आउल वाला सीन ना हो जाए कि टेम ही नहीं हो रहा है फिर मुझे ही मार देगा। भाई ये टेम हो चुका है आखिरकार, भाई फर्स्ट बीस्ट हम लोग का और मैंने इसे टेम कर लिया, पहला बीस्ट आ चुका है मेरे पास, और ये कि वुल्फ है भाई, बहुत खतरनाक बीस्ट मिला है मुझे, और उम्मीद करता हूँ मुझे आगे और उद्दाम वॉरियर मिले ताकि मैं इसे टेस्ट कर लूँ, भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, मज़ा आ गया यार। तो यार अब मैं जाकर कुछ उद्दाम वॉरियर्स को ढूंढूंगा और देखूंगा कि मेरा बीस्ट कितना इफेक्टिव है इन वॉर सिचुएशन, कितना इफेक्टिव, कितना यूज़ आता है मेरे। तो यार मुझे कुछ उद्दाम वॉरियर्स तो मिल गया, सबसे पहले मैं इस पर निशाना लगा लेता हूँ और अपने बीस्ट को कमांड दूंगा कि जाओ उसे मार दे। भाई ये मारा जा चुका है, और भाई दूसरे बंदे को भी मेरे बीच ने बहुत अच्छे से संभाल लिया है भाई, मुझ तक आने ही नहीं दिया है लिटरली, बहुत सही है। और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी है गेम प्ले।